मणिपुर में कुकी समुदाय की महिलाओं से दरिंदक का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर वहशियों की भीड़ कानून, पुलिस और सरकार सबसे बेखौफ होकर घूम रही है। इस घटना के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं देश भर में इसके खिलाफ आक्रोश है। इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी गंगा पार के अध्यक्ष सुरेश यादव की अगुवाई में जुटे बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सिविल लाइन स्थित धरना स्थल केंद्र की मोदी सरकार व मणिपुर सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में प्लेकार्ड पकड़े मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति संबोधित पत्र थाना प्रभारी सिविल लाइंस को सौंपा। मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ कांग्रेसियों ने वहां की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी और विवेकानंद पाठक ने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। युवतियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार, जघन्य अपराध व यौन हिंसा के खिलाफ देश में आक्रोश है। पार्टी के जिला प्रवक्ता हसीब अहमद ने कहा कि मणिपुर सीएम की प्रशासनिक विफलता व प्रधानमंत्री की चुप्पी ने मणिपुर को करीब ढाई महीने से नस्लीय हिंसा की चपेट में जलने दिया। इस हिंसा में दो समुदाय कुकी और मैतेई शामिल हैं। मणिपुर में नस्लीय संघर्ष की वजह से हजारों लोग अभी तक विस्थापित हो चुके हैं।